आपको ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो इंडियंस है पर यूएस में रहते हैं और वो अपना यूट्यूब चैनल जस्ट शुरू ही किए हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि आप अपने यूट्यूब वीडियोस के ऊपर यूएस की ट्रैफिक कैसे लेके आ सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि आप अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं यूएस ट्रैफिक के जरिए, और मैंने प्रूफ भी आपको दिखाया था कि कैसे 11 व्यूज के ऊपर $4 मुझे मिले थे और वो ट्रैफिक जो है ज्यादातर यूएस ट्रैफिक थी और वहीं से जो ट्रैफिक है उसी की बदौलत मुझे 11 व्यूज के $4 मिले। तो अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे अपने वीडियो के ऊपर यूएस ट्रैफिक को लेके आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। अब यहां पे मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि आप इंडियंस हैं और आप हिंदी भाषा में वीडियो बनाते हैं तो अंग्रेज आपकी वीडियोस को नहीं देखेंगे क्योंकि उन्हें आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। हो सकता है आप सबटाइटल वगैरह ऐड करते हैं पर तब भी वो आपकी वीडियोस के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे या फिर यूट्यूब एल्गोरिथम ही उनके सामने आपकी वीडियो रिकमेंड नहीं करेगा। तो ऐसे में मैं एक ट्रिक बता रहा हूं जहां से आप 100 ऐसे सब्सक्राइबर्स को ढूंढ पाएंगे, उनको अपना फ्रेंड्स बना पाएंगे यूएस के अंदर, और उनको जब आप अपना वीडियो शेयर करोगे एक इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना लोगे, फेसबुक पे एक ग्रुप बना लोगे जिसके थ्रू आप अपने उन यूएस के फ्रेंड्स को जो है ये चीज शेयर करोगे अपने वीडियोस को, और वो जब आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी अर्निंग 100% बढ़ेगी। अब यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात ये है कि वो लोग कौन होंगे। तो दोस्तों देखिए मैं सीक्रेट बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों अमेरिका इतना बड़ा देश है कि वहां पे अंग्रेजों के अलावा अब हमारे इंडियंस भी रहने लगे हैं जो कि NRIs वगैरह होते हैं और उनके बच्चे भी वहां पे रहते हैं। तो आपको ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो इंडियंस है पर यूएस में रहते हैं और वो अपना यूट्यूब चैनल जस्ट शुरू ही किए हैं। अब ऐसे लोगों को ढूंढते कैसे हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली लॉजिक आपको समझ में आ चुका होगा कि यूएस या फिर यूके में रहने वाले इंडियंस को हमें टारगेट करना है, उन्हें फ्रेंड बनाना है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या आप चाहो तो उन्हें टेलीग्राम व्हाट्सएप पे ला सकते हो, और एक छोटा सा सर्किल बनाना है 50 या 100 लोगों का जो कि रहते अमेरिका में है परंतु इंडियंस है। तो ऐसे में वो लोग वहां से जब आपकी वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपकी इनकम जो है 100% बढ़ेगी। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि आपको ऐसे इंडियंस को कैसे ढूंढना है जो कि यूएस में रहते हैं और जो कि यूट्यूब शुरू कर चुके हैं या यूट्यूब में इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसके लिए आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन देखिए, यहां पे मैं मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आपको ये ट्रिक बता रहा हूं जिसके थ्रू आप ऐसे लोगों को टारगेट कर पाएंगे जो कि यूएस में रहते हैं प्लस इंडियंस है प्लस वो यूट्यूब में इंटरेस्ट भी रखते हैं। सिंपली आप अपना यूट्यूब ओपन कीजिए। यूट्यूब ओपन करने के बाद में आप सर्च बार पे जाइए और यहां पे एक कीवर्ड आपको टाइप करना है, वो कीवर्ड है माय फर्स्ट वीडियो इन यूएस। ठीक है, ये कीवर्ड आपको टाइप करना है। तो चलिए मैं टाइप कर लेता हूं माय फर्स्ट वीडियो इन यूएस। ठीक है, या अमेरिका आप लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अमेरिका, बस आपको इतना टाइप करना है माय फर्स्ट वीडियो इन अमेरिका। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है 3 डॉट लाइन पे क्लिक करना है और एक फिल्टर लगाना है अपलोड डेट का, शॉर्ट बाय में अपलोड डेट का फिल्टर लगाना है। जैसे आप ये फिल्टर लगा दोगे आपके सामने काफी सारे ऐसे वीडियोज आएंगे जो कि रिसेंटली अपलोड हुए हैं, जैसे कि 21 घंटे पहले अपलोड हुआ है या 1 दिन पहले अपलोड हुआ है। ठीक है, तो ये देखो ये जितने भी वीडियोज है ना इनमें से आपको वो वीडियो ढूंढना है जो कि इंडियंस के हो, जिनके थंबनेल देख करके आपको इंडियन वाली फीलिंग आई या इंडियन थंबनेल हो। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो लाइफ इन अमेरिका 132 व्यूज है, एक हफ्ते पहले का वीडियो है और इसको मैं क्लिक करता हूं क्योंकि ये मुझे इंडियन लड़की लग रही है और ये इंडियन ही है। तो इसके देखो 36 सब्सक्राइबर्स है और 3 ही वीडियोस है। अगर मैं इसको इंस्टाग्राम पे टारगेट करता हूं, इसको मैं अपनी फ्रेंड बनाता हूं क्योंकि मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स है, आपके थोड़े बहुत भी सब्सक्राइबर्स होंगे, तो आप इनकी वीडियोस के ऊपर कमेंट करके या अबाउट में इन्होंने अपना इंस्टाग्राम वगैरह दे रखा होगा उसके थ्रू आप इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हो इनके कमेंट करके या इंस्टाग्राम के थ्रू। अब ये यूएस में रहते हैं, ये इनके वीडियोस है यूएस के क्योंकि इनका चैनल का नाम ही है लाइफ इन अमेरिका। तो ऐसे हमने एक सब्सक्राइबर को ढूंढा, अब इनको हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, इनके वीडियोस के ऊपर कमेंट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इनको जो है हम कांटेक्ट कर सकते हैं और इनको हम फ्रेंड बना सकते हैं, एक सर्किल में ले सकते हैं और इनको हमारे वीडियोस देखने के लिए मजबूर कर सकते हैं या इन्हें शेयर कर सकते हैं, और वहां से जब क्लिक होगी तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी, एक सब्सक्राइबर हो गया। ऐसे ही आपको ऐसे वीडियोस ढूंढते जाना है, नीचे स्क्रॉल करते जाना है, जो भी इंडियन आपको थंबनेल मिले उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे देखिए सिंपली लिविंग एंड गार्डनिंग मंथ अगो, तो ये वीडियो भी आई थिंक अमेरिका है, अमेरिका का ही है क्योंकि देखो माई फर्स्ट वीडियो इंट्रोड्यूसिंग स्प्रिंग फ्लावर इन अमेरिका, तो ये अमेरिका का ही एक चैनल है लेकिन ये इंडियन है, ये लड़की इंडियन है, इसके 76 ओनली सब्सक्राइबर्स है और इसके कुछ वीडियोस है। आप इसको अगेन, ये भी इंडियन ही है तो इसको हिंदी भी आती होगी, आप इसको अगेन इंस्टाग्राम पे या कमेंट्स के थ्रू टारगेट कर सकते हो और ऐसे करके आप 100 लोगों का ग्रुप बना सकते हो और इनको आप व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करा सकते हो, देन आप अपना इंडियन वीडियो इनके साथ में शेयर कर सकते हो और जब आपकी वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो आपको ट्रैफिक आएगी यूएस की और आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। और दोस्तों अगर आपको सच्चाई बताऊं तो मेरे जो पिछले वीडियोस के ऊपर 11 व्यूज के $4 आए हैं वो भी इसी ट्रिक के थ्रू आए हैं। इसी ट्रिक के थ्रू मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स बना रखे हैं यूएस के अंदर जिनको कि मैं अपना वीडियो शेयर करता हूं या फिर ये
कहता हूँ कि सर्च करके मेरे ही वीडियो के ऊपर क्लिक करें, क्योंकि मैं YouTube सिखाता हूँ और इनको भी YouTube सीखना है, क्योंकि इनका चैनल ग्रोइंग हो रहा है या जस्ट इन्होंने स्टार्ट ही किया है तो इनको भी चाहिए रहता है। इस वजह से ये लोग मेरे वीडियोस पे क्लिक भी करते हैं और ऐसा मैंने एक सर्किल बना रखा है और इस तरीके से मैं अपनी अर्निंग को बढ़ा पाता हूँ। तो दोस्तों ये हो गया आपका YouTube का एक तरीका। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ Instagram के थ्रू, वहां से भी आप ट्रैफिक को टारगेट कर सकते हो US के, जो कि US में इंडियंस रहते हैं। अगेन आपको Instagram ओपन करना है, मैंने Instagram ओपन किया हुआ है ऑलरेडी, Instagram है ये, ठीक है। यहाँ पे अब आपको जाना है और आपको सर्च करना है एक हैशटैग फर्स्ट डे इन अमेरिका। ये देखो फर्स्ट डे इन अमेरिका, इस टाइप के हैशटैग आपको ढूंढना है और आपको रिसेंट पोस्ट में जाना है और आपको अगेन उन पोस्ट को टारगेट करना है जो कि इंडियंस हो या इंडियंस के आपको दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों को टारगेट करना है और उनको बोलना है, रिक्वेस्ट करना है ताकि वो आपके वीडियोज के ऊपर क्लिक करें। बहरहाल इंस्टाग्राम का तरीका उतना ज्यादा कारगर नहीं है जितना कारगर तरीका आपका ये माई फर्स्ट वीडियो इन अमेरिका। तो इस तरीके से आप ये कीवर्ड ध्यान में रखो, फिल्टर लगाओ अपलोड डेट का, और उसके बाद में जो रिजल्ट आपके सामने आते हैं उन रिजल्ट्स को आप टारगेट करो। दोस्तों मेरा यकीन मानिए आप यूएस के ट्रैफिक को एक सर्किल में ला पाओगे, यानी कि जो लोग यूएस यूके में रहते हैं, जो इंडियंस रहते हैं, बेसिकली यूएस यूके के अंदर जो इंडियंस रहते हैं उनको टारगेट कर पाओगे। एक व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फेसबुक टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना पाओगे छोटा सा, उनके साथ में अपना कॉन्टेंट शेयर करो, उनको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कराओ, बदले में वो वहां से आपके वीडियोज के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐसे में आप अपनी यूएस ट्रैफिक लेके आ पाओगे और आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। दोस्तों ये आजमाया हुआ तरीका है, यहाँ पे 100% अर्निंग बढ़ती है। मैं ऑलरेडी इस ट्रिक का इस्तेमाल करके अपनी अर्निंग बढ़ा चुका हूं, प्रूफ आपको पिछले वीडियो में दिखा चुका हूं। अगर आपको जानना है कि 1000 व्यूज पे कितना डॉलर मिलता है या फिर कैसे मुझे 11 व्यूज के $4 मिले, तो इस वाले वीडियो पे क्लिक करके आप तुरंत अभी के अभी जान सकते हैं।